बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में। दिन तो मेरे लिए तो पुराना चल रहा है, आपके लिए नया है भाई। लेकिन मेरे लिए पुराना दिन क्यों चल रहा है? लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग भैया बड़ी मेहनत करके गत्ताधार तक पहुँचे थे, अनफॉर्चुनेटली हमें स्टे नहीं मिला था, तो इस वजह से हम अब आगे निकल रहे हैं। क्योंकि लास्ट टाइम ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको वहीं पर ख़त्म कर दिया था। अब दोस्तों अगला व्लॉग शुरू हो चुका है। हाँ ठीक है भाई, हम ठीक जा रहे हैं। तो अगला व्लॉग शुरू हो चुका है। अब यहाँ से निकल के हमारे पास दो डेस्टिनेशन है, एक तो रेणुका जी, रेणुका झील बहुत प्यारी झील है, और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है पांवटा साहब जाके रुकने की। तो ये दो ऑप्शंस हैं, अभी इस पर थोड़ा सा अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कहाँ पे जाके रुकें, क्या करें। तो देखते हैं, पहले तो ये जो इतनी चढ़ाई पे हम पहुँचे थे ऊपर, अब यहाँ से उतराई शुरू हो चुकी है, और एक बार उतराई उतरने के बाद नीचे मेन हाईवे टच कर जाए उसके बाद फिर हम प्लान करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी तो मैंने जैसे मैप लगाया सर मेरे नीचे हाईवे तक पहुँचने के लिए, जो हाईवे छोड़ के हम लोग गत्ताधार के लिए ऊपर चढ़ाई हमने शुरू की थी 707, अब उसी हाईवे को दोबारा से हमने कैच करना है। अब वो कहाँ पे जाके कैच होता है वो हमारे गूगल बाबा जी दिखाएंगे हमें। अभी तो गूगल बाबा जी कह रहे हैं अभी स्लाइड लेफ्ट स्लाइड राइट, बस यही कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो अभी आप रूट देख रहे हो ना, अभी मैंने पता किया कि सारे का सारा रूट टॉप और टॉप ऐसा ही रूट बना हुआ है। हाँ है सिंगल रूट, बट मज़ेदार बना हुआ है, और पूरा मक्खन की तरह, वो भी जमा हुआ मक्खन की तरह बना हुआ है भैया। इस पर कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं हैं, और कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। और साथ में एक चीज़ और बता दूं भैया, यहाँ पे खाना पीना रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा आपको, जो भी है साथ में कैरी करके लाओ, वो ज़्यादा बेटर है। अब अपने को तो अभी भूख नहीं है क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों इकट्ठे हो गए, तो ये ब्रंच बन गया। घने जंगलों के और पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे देखो कैसे रास्ते से मेरे को गूगल लेके जा रहा है। अभी हमें पहुंचना है रेणुका जी, बट नज़ारा देखो यार, ऊपर से रोड, क्या शानदार रोड बनी हुई है, मज़ेदार मज़ेदार रोड बनी हुई है। अब रेणुका जी या पांवटा साहब, दोनों में से एक डेस्टिनेशन है अपनी। अब देखते हैं कहाँ पर पहुँच पाते हैं आज, क्योंकि जैसे आपको मेरा पता ही है जहाँ पे सनसेट वहाँ पे हमसेट। तो सामने नज़ारा देखते चलो, पहाड़ों का मज़ा लेते चलो और जंगलों का मज़ा भी लेते चलो साथ में। लो जी बीच बीच में छोटी छोटी ऑफ रोड भी आती रहती हैं, बंदे घूर के ऐसे देखते हैं ना जैसे कोई एलियन आ गया होता है। उनकी तरफ से तो ऐसे कोई आता ही ना होगा इस तरफ, ख़ासतौर पर हेलमेट और ऐसे सामान लेके। क्योंकि यहाँ पर मैंने मोस्टली जितने भी लोगों को देखा है स्कूटर बाइक चलते हुए, सब ऐसे ही बिना हेलमेट के। अरे वाह, जंगल में थोड़ी थोड़ी रोड ख़राब भी आ गई, चलो कोई बात नहीं, इस पार्ट ऑफ रोड पार्ट ऑफ ट्रैवल, एंजॉय करते हैं। आय हाय 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 हाय, देखो कितना डेंस और कितना घना जंगल है। ये कहाँ गए हम, आहा आहा, सामने का वेदर अल्टीमेट जबरदस्त माइंड ब्लोइंग, क्या शानदार वेदर है यार क्लाउड्स के बीच में से। ओए होए 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 होए, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, क्या शानदार जगह है यार, क्या शानदार जगह है। आहा यार, हवा जो चल रही है ना ठंडी ठंडी, क्या मज़ा करा रही है। ओए होए 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 होए, हाँ अभी मैं वाइज़र खोल के चला रहा हूँ भैया, सीधी सी बात, थोड़ी सी आवाज़ डिस्टर्ब आएगी, प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि गर्मी के मारे बैंड बजी पड़ी थी भैया। अभी मैंने वाइज़र खोला है, क्या ठंडी ठंडी हवा आई है, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। ऊपर से ये जंगल के बीच में से नज़ारे ले रहे हैं, जंगल में मंगल हो रहा है, वाह क्या बात है, क्या बात है। वाह जी वाह, इस टाइम तो हालत ये हुई पड़ी है, अगर बारिश में भीग भी जाऊँ ना तो टेंशन नहीं है,
कोई चक्कर नहीं है, सूख जाएंगे क्योंकि इतनी गर्मी में भी नीचे जा रहे हैं। नीचे इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया अभी पहाड़ के ऊपर हूँ तो धीरे धीरे अब उतराई उतरनी शुरू हो चुका हूँ, अगर भीग भी जाऊँगा तो ऑब्वियसली नीचे तो मैदानों में तो धूप होगी होगी तो अपने आप सूख जाऊँगा। पर यहाँ का वेदर आए हाय आए हाय आए हाय, इसकी माँ का मजे मजे, क्या शानदार वेदर है यार भाई। थोड़ा सा रोड ख़राब है, मैंने पीछे पता किया था तो कह रहे हैं 5-6 किलोमीटर तक रोड ऐसे ही थोड़ा ख़राब चलेगा, इसके बाद रोड हाईवे मिल जाएगा अपने को, बस फिर इसकी माँ का मजे ही मजे। दोस्तों आज के दिन की तीसरी वैली, मतलब इस व्लॉग की तो खैर पहली वैली होगी, पहले हम लोग पिछले व्लॉग में आप देखा होगा आपने एक नैनीधार और उसके बाद गत्ताधार, दो वैलियाँ क्रॉस करके आए हैं, तीसरी वैली अभी आज ही क्रॉस करने वाले हैं। एक ये वैली इस तरफ, बीच में ये पहाड़ क्रॉस करके, तो ये अभी आ गई अगली वैली, ये लो जी एक पहाड़ का वो साइड और एक पहाड़ का ये साइड, और दोनों तरफ फ़र्क शुरू, उधर मौसम हवा ठंडी थी इधर हवा गर्म है, बताओ इतनी सी जगह में फ़र्क भी आना शुरू हो गया। आप पता नहीं यकीन मानोगे कि नहीं मानोगे, बट भैया अगर चाहते हो तो एक बार आगे यहाँ पे आके आजमा के देख लो। इस पहाड़ी के उस तरफ जो हवा थी वो हल्की हल्की ठंडी थी, और इस तरफ जैसे ही आया हूँ हल्की हल्की गर्म हवा आई है, हालांकि इतनी हाइट पे हूँ उतनी गर्म नहीं है जितनी नीचे मैदानी इलाके में होती है, पर फिर भी गर्म है हवा। आई गए स्कूल आते पढ़ी के, स्कूल में पढ़ के आए गए, पढ़ाए कौन सी क्लास में हो? फोर्थ। आप कौन सी क्लास में हो? जीरो में। ये कौन सी क्लास होती है? हैं? केजी में पढ़ता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। और आप? फोर्थ में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? गीतार। हैं? गीतार। ओके, अभी घर जा रहे हो? घर कहाँ पे है? अच्छा पैदल ही जाते हो, वाह बाय। मैं अपने घर जा रहा हूँ, जाऊँ? ओके। बच्चे बहुत प्यारे थे यार, रुका नहीं गया। एक ये देखो, ये भी खड़ी यहाँ पे गुड़िया, प्यारी सी गुड़िया। लो जी दोस्तों सामने रिलीफ, मतलब के मेन हाईवे पे, ये अब कहाँ कहाँ लेके जाएगा भी वो देखते हैं। जियोनी धार 11 किलोमीटर, शिलाई 60 किलोमीटर, गत्ताधार नहीं, गत्ताधार हमने नहीं जाना, अब हमने यहाँ से मुड़ना है नीचे को लेफ्ट हैंड, ये इस तरफ। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी, अपना मैप भी यही दिखा रहा है। चलो दोस्तों इस व्लॉग की दूसरी वैली, एक इस तरफ दूसरी इस तरफ। पता नहीं आज और कितनी की वैली पार करेंगे हम लोग। ये देखो पहाड़ के बिल्कुल बीच में रोड बनी हुई है, एक वैली इस तरफ है और एक वैली इस तरफ है, दोनों तरफ मज़े ही मज़े यार, मज़े ही मज़े। वाह क्या बात है जी, क्या बात है, खूबसूरती देखो यार, इन पहाड़ों की खूबसूरती देखो, भले ही जंगल के बीच में से हो, भले खेतों के बीच में से हो, और भले किसी छोटे से गांव के बीच में से हो, खूबसूरती की कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों हम लोग अभी पहुंच गए सांगढ़, ये सिरमौर की एक छोटी सी सिटी है, मतलब छोटा सा कस्बा है, बस इतने में ख़त्म भी हो गया। वो कहते ना ये शुरू कब हुआ और ये ख़त्म कब हुआ, कुछ पता नहीं लगा। ये मेन मार्केट हमने क्रॉस की है क्योंकि रास्ता जो है सारा उसके बीच में से ही है, बस मज़े 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 चलते जा रहे हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है, सारी उतराई है, वो देखो सामने तक पूरा रोड चेक करो, सारी उतराई है, ना तो मैं भैया कोई ब्रेक लगा रहा हूँ, ना मैं रेस दे रहा हूँ, बगीरा के ऊपर बैठा हूँ, बगीरा मज़े 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 भाग रहा है, मज़े ले रहा है पूरे पूरे, ये नज़ारे ले रहा हूँ कुदरत के और साथ में रोड के। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी यार मैंने, जो ऐसे छोटी छोटी सिटीज़ आती हैं या कस्बे आते हैं वहाँ पे सिटी के अंदर सारी टाइलिंग की हुई है उन्होंने, बाकी रोड तो ठीक है, कई बार अच्छा है कई बार बुरा है, कुल मिला के सब अच्छा ही अच्छा है।
तो मज़ा तो आ ही रहा है और मज़ा ही आना चाहिए, मौज रुकनी नहीं चाहिए, मौज आनी चाहिए। मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, वो हिसाब है। ठीक है, अब जब मिल ही रही है यहाँ पे तो खोजनी भी नहीं पड़ रही, अपने आप मौज मिल रही है तो क्यों ना ले भाई, मज़ा तो आ ही रहा है, ज़बरदस्त वाला मज़ा आ रहा है। आह बीच बीच में छोटे छोटे पैच, अभी ये ऑफ रोड के भी हैं और आगे दिख रहा है रोड एकदम बढ़िया टनाटन बनी हुई है। दोस्तों स्वागत है आपका भट्टी की गर्मी में। पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं हम लोग और काफ़ी नीचे उतर चुके हैं और अभी गर्मी से बैंड बाजा बरात होना शुरू हो चुका है। यहाँ से रेणुका जी रह गई है 9 किलोमीटर, रेणुका झील जो है 9 किलोमीटर रह गई है, एक बार वहाँ पहुँचे, पहुँच के फिर हम लोग आज प्लान करेंगे नाहन में रुकने का, क्योंकि अभी 5:15 बज चुके हैं। मेरे हिसाब से तो 7:15 बजे तक ही सनलाइट रहेगी, 2 घंटे हैं अपने पास, तो तब तक मेरे ख्याल से नाहन तो बड़े आराम से पहुंच जाएंगे हम लोग, और नाहन पहुंच के फिर नाइट स्टे करेंगे। पर अभी जो रास्ते में रेणुका जी जो झील आती है वो ज़रूर देख के चलेंगे, यार सुना तो बहुत है, मैं कभी गया नहीं, तो एक बार देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर बन गया प्रोग्राम तो देख के चलते हैं। नाम तो बहुत सुना है कि रेणुका झील बहुत खूबसूरत है, चलो देखते हैं। बात करते करते यार ये रोड पता नहीं कैसे ख़राब आ जाता बीच में। हाँ बाकी तो सब ठीक है, ये देखो रोड एकदम मस्त मक्खन ज़बरदस्त, जब से सांगड़ से चले हैं रोड बहुत बढ़िया है यार। मैंने तो आपको बताया ना, बगीरा को खुला छोड़ा हुआ है, ना रेस दे रहा हूँ ना ब्रेक कर रहा हूँ, बगीरा आराम से चल रहा है, मज़े ले रहा है, मज़े करा रहा है। अब तो ये है, हाँ गर्मी ज़रूर लगनी शुरू होगी भैया। हा, अभी तो क्लाउडी है वेदर, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब धूप होगी तब क्या हालत होगी भैया। यार जो मर्जी कहो, ठंडी जगह की 2-3 दिन की सैर ही होती है, आदत बिगाड़ देती बंदे की। लो भाई दोस्तों रेणुका जी तो हम पहुँच गए, अब देखते हैं झील कहाँ पे है। अच्छा सीधा ही है, चलो चलते हैं, 1 किलोमीटर है झील यहाँ से। हाँ हाँ हाँ, जंगल के अंदर से रास्ता पूरा बना हुआ है, बढ़िया है भाई बढ़िया है। लो भी दोस्तों पहुंच गए हम लोग नाहन, मतलब ये अभी रेणुका झील है, नाहन अभी नहीं पहुंचे, अभी नाहन पहुंचेंगे हम लोग। सामने है रेणुका जी का मंदिर और इस तरफ है भगवान परशुराम जी का मंदिर। मेरा ना मन तो बहुत है मंदिर जाने का, बट दोस्तों सही बताओ चक्कर क्या है कि इतने दिनों से सही तरीके से ना नहाया नहीं हूँ, तो इसलिए मंदिर जाने का ना मेरा मन नहीं हो रहा, क्योंकि मन ऐसा बना हुआ है कि अगर मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, गुरुद्वारे जाना है, कहीं भी धर्म स्थान पे जाना है ना, अच्छी तरह साफ़ सुथरे होकर जाओ। अब ये राइडिंग जैकेट पहनी हुई है, ये कपड़े पहने हुए हैं, ये कितने दिनों से लगातार पहन रहा हूँ, इसलिए ना थोड़ा सा मन नहीं मान रहा। हाँ जी आओ जी आ जाओ, हाँ जी हाँ जी आओ आओ। बात करते करते आ गई गौ माता, चलो मिल लेते हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था अभी ना सही से नहाया नहीं हूँ, इसलिए मंदिर जाने का मन नहीं हो रहा। हाँ यहाँ पे आपको एक और ड्रोन शॉट दिखा के फिर आगे निकलते हैं, तो चलो आप ड्रोन शॉट देखो। दोस्तों मैं रुका हूँ अभी ददाहू में, ये लिखा हुआ सामने ददाहू। यार एक्चुअली हुआ क्या ना, जो इसका ये वाला पैनल है ना इस साइड का, ये देखो ये खुल जा रहा है बार बार, इसके एक अंदर एक बोल्ट होता है, वो बोल्ट निकल गया हुआ है। लो भी दोस्तों अपनी टेंशन सॉर्ट, पेच वगैरह लग गया, भाई ने पेच लगा दिया। अब ये यार यार ना कई बार रास्ते में खुल रहा था, तो ऑफ रोड पर आपको पता ही है दिक्कत होती है बार बार, तो मैं बहुत परेशान था। मैं कहा अभी यहाँ से निकल रहा था, ददाहू करके जगह आई है रेणुका जी के बाद, तो इसमें मेरे को मैकेनिक दिखा, मैंने कहा पहले भैया ये काम करवाएं, क्योंकि आगे का कोई पता नहीं है कब कहाँ क्या मूड बन जाए। क्योंकि सही बताऊँ आपको अभी ना थोड़ा दिमाग ख़राब हो रहा है, किस लिए हो रहा है, घर के पास पहुँच गए ना,
तो अब ये लग रहा है कि यहाँ पे रुक के क्या करेंगे यार, सीधा घर ही चले। बाकी देखते हैं कैसा मूड बनता है, एक बार नाहन पहुँच जाए उसके बाद फिर प्लान करते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं फटाफट से नाहन की तरफ। थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ रेस लगाएगा, बोल। पता लगा ये बंदा खतरनाक है भाई, वीली मारता है। तो मैं पूछा मैं मेरे साथ रेस लगाएगा, बोलता नहीं लगाऊंगा। चलो भाई वो नहीं लगाता रेस, हम तो लगाएं। चलो निकलते हैं नाहन की तरफ। ये ददाहू क्रॉस कर लिया हमने, तो अभी नाहन रह गया यहाँ से 9 किलोमीटर, और सनसेट तो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी डे लाइट है तो काफ़ी थोड़ा सा खींच लेंगे इसको जितना हो सकता है। पहले नाहन पहुँचे, वहाँ पे देखते हैं नान मिलता है कि क्या मिलता है, क्योंकि भूख भी लग चुकी है भैया। अब उसके बाद आगे का प्लान करते हैं, रुकना है कि आगे बढ़ना है। वैसे ना मेरा मन, सही बताऊँ तो आगे बढ़ने का हो रहा, रीज़न क्या है, एक तो यहाँ पे हैं गर्मियाँ। अब गर्मियों में दिन में कल मेरे को निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मेरा घर रह गया है सिर्फ 170 किलोमीटर। अब 170 किलोमीटर दिन में चलाना मुझे समझदारी नहीं लगती यार, तो इससे अच्छा यही नहीं है कि रात रात के टाइम में निकल चले, ठंडे ठंडे घर पहुँचिए। बताओ है कि नहीं है, मन तो मेरा यही कर रहा है कि मैं अभी निकल चलूँ। बाकी देखते हैं, क्योंकि एनर्जी की कोई कमी नहीं है, एनर्जी फुल फ्लैश है। थोड़ी सी डाउन इसलिए है क्योंकि पेट खाली है, वही आपके सामने थोड़ी बहुत जो हमने थाली खाई थी बस वही खाई हुई, अभी उसके बाद भूख लगी हुई है। तो फटाफट से चलते हैं, कुछ खाने पीने को देखते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। अभी मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ, क्लियर नहीं हूँ। लो भाई दोस्तों, बघीरा को लगी है भूख, और बघीरा के पेट फुल करेंगे यहाँ पे फटाफट से। देखते हैं कहाँ पे खड़ा करना है भाई, वहाँ लाओ जी, लो जी वहाँ ले आते हैं जी। लो जी, लो भाई दोस्तों पहुँच गए हम लोग नाहन। बट मैंने जैसे आपको पहले बोला था, मन नहीं है यार रुकने का कोई। मैंने बार बार यही चीज़ सोची, मैंने कहा यार रात रुकूंगा, सुबह सुबह निकलूंगा 170-180 किलोमीटर के लिए, गर्मी में मरूंगा, इससे अच्छा यही है ठंडे ठंडे निकलो। तो अभी हमारा प्लान हो गया घर जाने का। अब तो भैया ये इस सीरीज़ का लास्ट व्लॉग होगा। चलो अब जो भी है एक बार खाना पीना करते हैं, उसके बाद घर के लिए निकलते हैं सीधा। हाँ देखते हैं यहाँ पे क्या मिल सकता है बढ़िया खाने पीने को। नाहन में आए हैं तो नान तो बढ़िया मिल ही जाएंगे मुझे लगता है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। अभी तो मार्केट के अंदर से निकल रहा हूँ, बोले ये सिटी के अंदर से। भाई दोस्तों नाहन के नान तो अपने को पसंद आए नहीं, इसलिए मैं अभी पहुँच गया हूँ चंडीगढ़, इनफैक्ट जीरकपुर, और यहाँ पे है सामने मैकडॉनल्ड। बहुत दिनों से मन कर रहा था, अब चलते हैं मैकडॉनल्ड में। यार यहाँ पे तो सच्ची में जाम ने इतनी बैंड बजा दी है ना, वी एग्जॉस्ट कर दिया पूरी तरह से जाम ने, क्योंकि यहाँ पे ना हर कोई बंदा इधर उधर घुस रहा है। ये देखो ये सामने फिर बंदा एक रॉन्ग साइड से आ रहा है, ये देखो। हम लोग पहुँच गए मैकडॉनल्ड, अब यहाँ लगाते हैं बाइक और करते हैं कुछ खाना पीना। बड़े दिनों से मच वेटेड खाना मेरे सामने आ चुका है, सबर नहीं हो रहा। चलो फटाफट फिनिश करते हैं इसको। मेरी कमज़ोरी है ये फ्राइज, मेरी कमज़ोरी। लो भाई दोस्तों पहुंच गए अपने घर, अपने लुधियाना शहर। बहुत मज़ेदार एडवेंचर था, बहुत ज़बरदस्त दिन था। होप आपको भी अच्छा लगा होगा, आपको भी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर करो, और जो भी मन में आए कमेंट ज़रूर करो यार, एक आपके कमेंट का वेट करूँगा। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, राइड ऑन फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो अभी इस वीडियो को रखते हैं दोस्तों यहीं तक, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।
साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह, बाय।